हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का रवि पाल ब्लॉग में। करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और अभी जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं काम। मम्मी जो है काट रही है मूली, मतलब कि सब्जी बनाने के लिए दोपहर के टाइम। और जी फिर पहले तो पत्ते काटेंगे फिर मूली कसेंगे, तो थोड़ी सी हेल्प मैं भी करा दूंगी मम्मी की। अर्णिका यहाँ पे खेल रही है। अर्णिका बेटा आइए इधर। अर्णिका कुकर दिखा दे, कुकर दिखाओ अर्णिका का। अर्णिका कुकर ये। और आज अपने भी और इसके भी बाल कट करा के लेके आओ, फिर इन्हें जाना है खेत में। और जी है नहीं अभी जाना, पहले खेत में, पहले खेत में जाना है फिर बाल कट करा के आने हैं। अर्णिका के भी आज ही लेके आइए करा के, क्योंकि आज है संडे, तो संडे वाले दिन सही रहेंगे बाल कट कराने। तो चलिए जी अभी बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। अभी आपको दिखाते हैं कि मम्मी क्या कर रही है। यहाँ पे जो है भुज्जी की तैयारी हो रही है। तो भुज्जी की सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है, मूली के जो पत्ते होते हैं उनको काटा जाता है। और मूली कल आई थी फिर से खेत से, काफ़ी सारी मूली आई थी। और यहाँ पे अर्णिका जो है किसके फोटो ले रहे बेटे दिखाओ। अर्णिका कहाँ है, कौन है? कौन है ये देखो, फोटो कैसे लगाओ फिर रही है जाली। बेटे क्या ले रहे दिखाइयो, क्या ले रहे? यो क्या है यो? ई ई क्या है? पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? और यहाँ पे लग चुके हैं अब ये दोनों। एक वंदना मूली कैसे की और मम्मी जी जो है इसको काट रहे हैं दांतड़े से। दांतड़ा बोल लेना इसे, ये लग गए। छील के लग रखी। अभी अभी कुछ हाथ बटाएगा आपका सभी का। ये बैठ चुका है नायक। नायक कल नायक में हैं और सन्नी देवल। ये उठा ली फिर फोटो। भाई कार्टून ही है भाई पूरा पक्का। जब पापा सामने थे तो फोटो को देखते हैं पापा। इसे छोटी सी को देखकर खुश हुए है ना, इसमें फोटो में अर्णी का आया छोटी सी। यहाँ डल रहा है इसमें, काट लूंगी इसमें तो। अभी मूली कसने के बाद इसे रखेंगे उबालने के लिए। उबालने के बाद इसे निचोड़ेंगे। निचोड़ने के बाद जो है इसकी बनाई जाएगी भुज्जी, मूली की भुज्जी। और जी अभी जब बनाएंगे जब भी दिखाएंगे आप। अर्णी का बेटा, मम्मा बोलियो। मम्मा मम्मा बोलियो। मम्मा आ जा आ जा। मम्मा ना मम्मा ना मम्मा 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 नहीं करती बिल्कुल भी। देखो आ जा आ जा। चाचा जी जो है गाय को नहला रहे हैं, क्योंकि अभी लाइट आई हुई है तो ताज़ा पानी आ रहा है समर सील चला के। तो यहाँ पे इसको नहला रहे हैं श्याम को, और जो है बुद्ध को भी नहलाएंगे। ये देखिए बुद्ध सुबह दूध पिया होगा, फिर मंड का पीन दूध लगा हुआ है नीचे, ऐसे लेता है ये दो तीन बार दूध का मज़ा। अब दूध ही नहीं है। जब देखो जब स्टार्ट हो जाता है ये। हुआ है शाम का टाइम, शाम के बज चुके हैं 5:30। और जी अभी हो गया है हलवा बनाने का टाइम। तो मम्मी जो है आज गांव में गई थी घूमने के लिए, और जी अभी यहाँ पे चूल्हा जलाने की कर रहे हैं तैयारी, क्योंकि आज बनाएंगे गाजर का हलवा। सुबह ही बनाएंगे तो फिर काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि काम फिर ऐसे ही पड़ा रहता है। तो आज शाम के टाइम बनाएंगे, जितना भी टाइम लगेगा 7-8-9 बजे तक जितना बनेगा बन जाएगा। और अभी अन्निका भी यहाँ पे थोड़ी हेल्प करा रही है मम्मी की,
वो लकड़ी उठा उठा के दे रही है। अनिल के पापा भी बाहर गए हैं घूमने के लिए। ये देखो राज से करा दी हमने गंजी है, बाल कट गए ना, और ये टोपा ना इसका नीचे को भी नहीं खींचा करा था जब इसे उड़ाया, क्योंकि ये चिपक गया इसके बस सर पे। हाँ आ जाओ, चलो हेलो बोलियो, हेलो बोलियो। पापा तुझे तो पापा ही दिखे सब जगह। हाँ बुआरी बुआरी ना, और जी ताऊ जी के उधर है अभी, बुआ आ गई है बड़े वाली, प्रेम बुआ सबसे बढ़िया जोन सी। तो अभी गाजर हम लेके आते हैं बाहर। तो यहाँ पे देखिए मम्मी दूध छान रही है, क्योंकि छान के डाल लेंगे इसे, पोवे से डाल रही है। तो यहाँ पे चढ़ा दिया है दूध कढ़ाई में, और इसे लेके जाएंगे बाहर चूल्हे पे। अभी रख दिया है कढ़ाई में दूध, इसे चूल्हा भी जला दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे। और जी अभी पकाते रहेंगे, तब तक कस लेते हैं गाजर। अभी देखें यहाँ पे सास बहू हम लग चुके हैं गाजर कसने में, क्योंकि थोड़ा शाम का टाइम लेट हो गया था। और जी अभी अर्निका और मैं मम्मी तीनों जने यहाँ पे बैठे हैं, और अर्निका देखे कभी कुछ उठाती है कभी कुछ उठाती है, और मम्मी बोल रही थी कि थोड़ी सी गाजर मैं कस देती हूँ फिर उसके बाद तुम कस देना, क्योंकि काफ़ी सारी गाजर थी। और कढ़ाई में हमने दूध चढ़ा दिया है, पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा चूल्हा जला हुआ है, उधर कढ़ाई में दूध गर्म हो रहा है, और फिर उसमें चीनी डाली जाएगी, मतलब कि गाजर डाली जाएगी। और पहले हम ऐसा कर रहे हैं कि गाजर को कसने के बाद कुकर में उबाल के सीटी लगवा के एक दो थोड़ी सी नरम हो जाएगी, फिर कढ़ाई में आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा गाजर है ना फिर आएगी नहीं इतनी। तो हमने थोड़ी थोड़ी सी गाजर उबाल के कुकर में और फिर इसमें कढ़ाई में डाल ली है, जो पानी वानी इसमें कुछ नहीं डाला उबालने के लिए, ऐसे ही उबल गई थी। और तो हल्का फुल्का सा पानी निकला वो भी हमने उसमें डाल दिया था कढ़ाई में। तो चलिए जी यहाँ पे देखिए कुछ गाजर कस दी है मम्मी ने, और कुछ रह गई है बाकी, इतनी ही जितनी गाजर है इतनी ही अंदर रखी हुई है, 5 किलो लेके आए थे पापा। और ये देखिए कितनी ज़्यादा शरारत करिए, कभी कुछ खाती है कभी कुछ खाती है, और वैसे गाजर खाना इसका, और कभी कभी छोटा सा बच्चा लेके आए उसका जो बत्तख वाला है। और अभी देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूध कट चुका था, तो मैं इसे चला रही थी, मम्मी बोल रही थी कि ये काफ़ी कट चुका है तो इसे चला दो, और इसका हल्का हल्का सा मावा बन चुका था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और जी फिर इसका मावा निकालने के बाद फिर इसमें गाजर डाली जाएगी, और गाजर डालने के बाद इसमें फिर सारा सामान डाला जाएगा, आपको बताई है। और जी यहाँ पे देखिए फिर बनाना है खाना, और थोड़ा लेट हो गया था हमें, क्योंकि मम्मी गाँव में गई हुई थी घूमने के लिए ताऊजर के उधर, तो इसी वजह से लेट हो गया था। जो पहले से बताती मम्मी कि आज गाजर का हलवा बनाना है, तो पहले से मैं लग जाती काम में, लेकिन मम्मी ने आके बताया कि थोड़ा टाइम बचा हुआ है अभी गाजर का हलवा बनाते हैं, सामान आ गया है सारा। तो चलिए जी यहाँ पे देखिए जो हलवा बनाएंगे वो भी दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ गाजर कस दी है और कुछ रह गए हैं बाकी, इतनी जितनी सारी थी ना इतनी और रखी पन्नी में, तो अभी ये वाली कसी जाएगी। 5 किलो है गाजर, तो 5 किलो का बनेगा हलवा। तो यहाँ पे मम्मी लगी हुई है, मम्मी बैठी गई अभी कढ़ाई पे, फिर जो और रहेगी फिर मैं कसूंगी। तो चलिए जी अभी आपको आगे दिखाएंगे हलवा रेसिपी, गाजर का हलवा जो बनाएंगे। आप क्या खा रहे, आप क्या खा रहे? ये गाजर खा रही, जैसे बड़े वाली तोड़ के दे रखी ना ऊपर से, वो नहीं खा रही जो नीचे की है ना, ये डाटले से इन्हें खा रही, देखिए अपनी मन मर्जी की मालिक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए अभी कुछ हलवा बन चुका है, कुछ रहेगा बाकी क्योंकि इसमें गाजर थोड़ी थोड़ी करके डाल दे, छोटी कढ़ाई है ना इस वजह से। ये देखिए अभी ऐसा बन चुका है, अभी काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, 8-9 बज जाएंगे हलवा बनाने में ही। तो अभी हम बनाते हैं खाना गैस पे, और मम्मी बना रही चूल्हे पे हलवा। आज बना के खा के जब सोएंगे हाँ, चाहे 10 बज जाओ चाहे 10 बज जाओ, पर बना 10 बज जाओ आज हलवा खाना। हाँ और आइए आप भी सब खाइए। हाँ बना के जब खाओ। शाम का टाइम हुआ है, शाम के खाने में बना रहे हैं आज खिचड़ी, और जी खिचड़ी के साथ जो चाय पी लेगा, दूध पिएगा दूध पी लेगा, तो मन मर्जी के है क्योंकि दूध पकाएंगे हम, मुझे चाय अच्छी लगती है और जी इन सबको दूध अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है कुकर में, तो अभी से छुनकूंगी, इसके बाद डालेंगे इसमें जीरा और फिर और मसाले जो सूखे मसाले हैं। और जी ये काट रखा है मैंने, मटर है आलू है, एक टमाटर रखा था घर में, आज सब्जी वाला नहीं आया, वो लेगी अर्निका उसे खाने में पसंद है ना, तो हमने सोचा कि चलो हम तो बिना टमाटर के खा लेंगे, उसे खाना चाहिए जो कुछ खा रही। तो चलो जी कोई बात नहीं, अभी छोक लेते हैं खिचड़ी। ये हो गया जीरा, और ये है अदरक, और जी हरी मिर्च, लहसुन प्याज हम खाते नहीं आपको पता ही है,
तो अभी इसमें डाल देंगे ये और धनिया वगैरह डाल देंगे। फिर कीड़ा भून चुका है, अब इसमें डालते हैं अदरक और हरी मिर्च। तो अभी से भून लेंगे और फिर इसके बाद डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर और ये धनिया, ठीक है, धनिया पाउडर हो गया और हल्दी नमक मिर्च डाल देंगे। मिर्च तो डाल दी है, नमक डाल देंगे, फिर से अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे और इसमें डाल देते हैं नमक। अब इसमें डाल देते हैं आलू और मटर। और फिर इसमें डाल देंगे पानी और चावल। चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं, पहले इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये रहे चावल, तो अभी हमने इसमें पानी डाल दिया है, चावल डाल दिए हैं, देखिए पानी। और जी लाल मिर्च नहीं डाली है, हरी खाते हैं हम ज़्यादातर, क्योंकि लाल मिर्च नुकसान देती है हमें। और अभी इसे ढक के रख देंगे और फिर दो सीटी खिचड़ी बन जाएगी। तो गाइस अभी इसमें डाल देते हैं चीनी। और जी मम्मी मेरे से इसलिए डलवा रही क्योंकि मम्मी को यार बहुत ज़्यादा मीठा पसंद, तो मम्मी इससे ज़्यादा मीठा डालता है, तो बोल रही है हल्के से मीठा तुम्हें डाल लो। आपके हिसाब से मम्मी मीठा होगा, कम सा हो गया तो डाल लो। कोई नहीं, जरा सा हो जाएगा। गज्जर मीठा सा अच्छा लगेगा हमें। हाँ कुछ तो गज्जर भी मीठी है, बहुत मीठी थी गज्जर। चलो थोड़ी देर हो गया जी, थोड़ी देर और वेट करो। अभी वो कितनी देर में बन जाएगा मम्मी? और लग जाएंगे 10-20 मिनट। 10 और 20-30 मिनट यानी कि आधा घंटा है इसे, 2 घंटे हो ले चलाते चलाते तक ही वो इसमें बन गया। मम्मी रंग सा रहा इसमें। चलो भाई गज्जर का हलवा बहुत दिन में खाओगे घर का, अपने घर का मावा खाओगे, पहला हलवा हलवा करती चली। देखिए गाइस यहाँ पे अभी हलवा कुछ कुछ बन के तैयार हो गया, थोड़ा टाइम और लगेगा इसमें अभी बनने के लिए। तो चलिए जी कोई नहीं, जब तक बनेगा हम भी वेट कर रहे हैं, तो जब खाएंगे बाद में तो सभी को देंगे थोड़ा थोड़ा मीठा। रात का टाइम हमारा खाना हो गया है, हलवा भी बन गया है और सभी ने खा भी लिया है। तो अभी काफी सारे बर्तन हो रहे थे क्योंकि खाना खाया है, फिर हलवा खाया है और जी फिर दूध वगैरह की बाल्टी, ये सब चीजें बहुत सारे हो रहे, कुकर वगैरह तो साफ करके रख लिए। और अब इसे दूसरे बर्तन में घालने की तैयारी चल रही है और सभी ने खा भी लिया है। ये जो बचा है एक दो दिन चलेगा घर में, सभी सुबह शाम लेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि घर का है, काफ़ी अच्छा बना है, टेस्ट भी है, पूरा पूरा टेस्ट आया हुआ है और काफ़ी अच्छा हलवा बना है। गाजर का हलवा है, काफ़ी मेहनत से बनाया है, वैसे तो 4-5 घंटे लगे हैं बनाने में। मावा हमने निकाल के रखा था एक्स्ट्रा, वो भी यूज किया है और आज भी दूध था मम्मी है, आज का भी दूध था जो सारा 4-5 लीटर हो गए, वो भी था सारा। बन चुका है टेस्टी हलवा, आइए आप भी खाइए, आप सभी इनवाइट है गाजर के हलवे पर। काफ़ी दिनों बाद बना है, काफ़ी अच्छा बना है अभी।